कुछ दिन पहले सुर्खियों में आए रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार और उनके बेटे प्रशांत बिश्नोई के तार बरेली से भी जुड़े हैं। वो बरेली की पाश कॉलोनी ग्रीन पार्क में लंबे समय से सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विस का काम कर रहे थे। प्रशांत बिश्नोई को ऑफिस के लोग पाशा के नाम से भी जानते हैं। ऑफिस के लोगों का कहना है कि वो 4 महीने पहले ही बरेली आया था। वो यहाँ होटल में ठहरता था। इस ऑफिस में तकरीबन 12 लोग काम करते हैं। वहीं रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार अधिकतर बरेली में इसी ग्रीन पार्क ऑफिस के मकान में रहते हैं। खास बात यह है कि ऑफिस के बाहर के बोर्ड पर कर्नल देवेंद्र कुमार का नाम तो अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रशांत बिश्नोई का नाम वहां से हटा दिया गया है। अब ये जांच का विषय बनता है कि क्या उसके धंधे के तार बरेली से भी जुड़े हैं। वहीं डीएम पिंकी जोबेल ने बताया कि उन्होंने एडीएमई को मामले की जांच सौंप दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में कर्नल देवेंद्र के बेटे के पास से भारी मात्रा में विदेशी हथियार और वन्यजीव का मांस और खाल बरामद हुई है। अभी एडीएमई साहब उसको देखेंगे, देख के जो है बताते हैं। अगर उसे कोई तथ्य निकल के आते हैं तो डेफिनेटली हम प्रोसीड करेंगे।